ये गाथा अरहं मातंग बुद्ध भंते जी ने बताया। किन किन का है? मातंग भाई बहुत ठंडा है, अभी बहुत गर्मी है, अब बहुत शाम हो गया है। ऐसे सोच सोच के अपना कल्याण के लिए जो कीमती समय फालतू बिताने वाले लोग इस दुनिया में हैं, कैसे लोग हैं अभी बहुत वो ठंडा लोग? लगता है, स्वामी ऐसा स्वामी सोचता है, सोचता है बहुत बहुत ठंडा ठंडा लगता लगता है, अभी बहुत गर्मी लगता है, रात्रि रात बहुत रात हो गया या शाम हो गया। ऐसे बोल बोल के अपना कल्याण के लिए जो कीमती टाइम है वो टाइम को फालतू बर्बाद कर देता है। वो लोगों को मुश्किल से मिला हुआ ये रिक्त मौका से लाभ नहीं उठा सकता है। हम लोग भी ऐसे है ना, कल सुबह उठ गया 3 बजे, 3:30 कितने टाइम है? 3:30, 3:30 ना सोएंगे, फिर 3:30 बजे नींद टूट गया तो मन में आना चाहिए, 3:30 बजे नींद टूटा इसी तो अभी जाके बैठेंगे। आज लोगों जो आगे बढ़ते नहीं कभी, उन लोगों मन में आता है अब ना, कभी कभी ध्यान करने का मन में आता होगा किसी को भोजन करने के बाद, फिर मन में आता है भोजन करते कोई ध्यान करता है कभी? ऐसे सोच के अच्छा कीमती समय को बर्बाद कर देता है। इसीलिए कभी भी आप मत सोचिए अभी ठंडा लगता है, अभी गर्मी है, अभी पसीना है, अभी थोड़ा बुखार टाइप का है, अभी ध्यान नहीं करना है। ऐसा नहीं, बीमार होने पर भी ध्यान कर सकता है, दर्द के रास्ते भी जा सकता है। वो ठंडा एवं गर्म एक घास जैसा नहीं मानना चाहता, एक घास घास लोग मानते हैं, घास को उतना भी नहीं मानना चाहिए ठंडा एवं गर्म। ऐसा नहीं मानेगा तो ठंडा गर्म छोड़ दिया गया, वो कभी सुख से पतन नहीं होता। मैं तो वो घास, खुश घास, सेवंदरा, बाबूस इत्यादि घास वगैरह हम दूर कर देते हैं, हमको कुटिया वगैरह की कोई जरूरत नहीं, मन का विवेक हम मानते हैं। इसका मतलब ये बात नहीं, जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, पेड़ों के नीचे सो जाते हैं, ध्यान उनका कोई कुटिया की आशा नहीं है, कुटिया का आशा नहीं, जंगल में रहते हैं, जंगल में कहाँ कहाँ कहाँ। हम लोग बहुत टेंशन, बहुत परेशान, सांप काटेगा, बीच जाएगा, ऊपर से डांग गिर जाएगा, बारिश आएगा, हवा लगेगा, ठंडा मार देगा, लकवा मार देगा, बहुत प्रॉब्लम है ना। उस समय सब कुछ था, लेकिन सब बर्दाश्त करके रह गए। एक बंदे जी ध्यान कर रहे थे, इसी में है, एक बात ध्यान कर रहे थे जंगल पेड़ के नीचे, बंदी जी का शरीर लाती जैसा दम पतला, नस पूरा निकला हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा शरीर नस निकला हुआ, दम पतला दुबला, मच्छर हर जगह पूरा भर खा रहा है, इधर 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 मच्छर पूरा कारकुन पी रहा है। फिर लेकिन वो बात सीधा बैठ ध्यान कर रहा है, एक बूंदा हिलाता नहीं था। आश्चर्य, उनको देवताओं भी नमन करते हैं,
निर्वाण प्राप्त करते हैं। बस अपने जीवन को प्यार करने वाले लोग को निर्वाण के रास्ते पे नहीं जा सकते, निर्वाण के रास्ते पे जाने वालों को जीवन का प्यार जरूरत नहीं। इसलिए आप लोग एक चीज सोचिए, आप लोग भी अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग आलसी हो जाता है, ठंडा लगता है, आज लेट हो गया, आज बारिश जैसा है, आज आलसी जैसा, आज मन नहीं, ऐसे करके स्कूल नहीं जाते हैं या फिर ध्यान नहीं करते हैं, ज्ञान सुनते नहीं है, कभी ऐसे नहीं करते। हम छोटा बच्चे लोग हमेशा बताते हैं भाइयों लोग का आदत बिल्कुल मत अपनाना, भाइयों का आदत अपने तो हम वचन देते आंखों के सामने पतन हो जाएगा साथ साथ। याद रख तो आप लोगों को भी ये आलसी बनाने वाली गंदगियां से बच के अपनी निर्वाण की रास्ता ध्यान से भाग।